वहीं अयोध्या में अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन किए, ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, मत्था टेका, इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या में तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भावुक भी दिखे, रामलला के सामने मत्था टेका, दर्शन किए, अयोध्या की ये तस्वीरें सामने आई। राम मंदिर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और रामलला के दर्शन करते वो नजर आए। सबसे पहले ये तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए, इस वक्त की ये बड़ी खबर। सबसे पहले तस्वीरें आप भारत 24 पर देख रहे हैं। अयोध्या दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर और रामलला के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई थी। कहा था उन्होंने कि सदियों का संघर्ष, पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ है और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो पहुंचे हैं। दर्शन किया उन्होंने, रामलला विराजमान के दर्शन किए। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा। पक्ष का चेहरा बेनकाब होता है, श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी